नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आज तक जो भी वीडियो मैंने बनाया था वो सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज पे बात कर रहा था डायबिटीज़ के रिलेटेड, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि होम्योपैथिक दवाई लेकर कैसे लोगों का डायबिटीज़ में रिलीफ हुआ है और कम हुआ है, वो मैं आज को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, ये हमारे साथ है, इनका नाम है सुशांत कुमार सेट्टी, जो लगभग एक साल से दवाई ले रहे हैं होम्योपैथी का। उसके साथ साथ जो एलोपैथी की वो दवाई ले रहे थे उसका भी उसको डोज है वो कम होता गया, अभी सिर्फ एक टैबलेट एलोपैथी का ले रहे हैं, उसके साथ साथ होम्योपैथी का भी दवाई ले रहे हैं। तो आइए, मैं उनका अभी ब्लड टेस्ट करने वाला हूँ। रेंजेस कितना रहा उनका, पहले 300-400 के आसपास था, आज उनका जो दवाई अभी कंटिन्यू चल रहा है उसके बाद उनका कितना डायबिटीज़ कम हुआ और ब्लड शुगर लेवल, वो खाली पेट में है अभी वो। अभी मैं उनका ब्लड टेस्ट करूंगा और कितना उनका लेवल आता है आप देखेंगे। तो ये रहा उनका लेवल 111। तो आप लोग देख सकते हैं ये उनका आज का लेवल है 111, जो कि एकदम नॉर्मल है। ये सिर्फ होम्योपैथिक दवाई और उसके साथ साथ जो डोज कम हुआ है एलोपैथी का, सिर्फ एक ले रहे हैं, पहले बहुत ले रहे थे, वो डोज कम होके आज बहुत ही नॉर्मल स्टेज में आ गया है। अभी हम सोच सकते हैं कि उनका एलोपैथिक जो डोज वो ले रहे हैं उसको कम किया जा सके। तो जो एक टैबलेट ले रहे हैं उसको आधा लेने की मैं उनको एडवाइस दूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो उनका जो टैबलेट वो ले रहे हैं एलोपैथी का वो कम होके पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हम होम्योपैथी का जो दवाई ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि होम्योपैथी का जो डोज कंटिन्यू ले रहे हैं उसका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ते बढ़ते वो पूरा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने प्रैक्टिकली देखा कि डायबिटीज होम्योपैथी से कैसे रिलेटेड होता है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे SMS किया और व्हाट्सएप में भी मुझे भेजा था कि प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएं किसी का कम हुआ है कि नहीं, तो इसीलिए आज मैंने ये प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।